हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप खुश स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए दीदी, यहाँ देखती हूँ आपके पार्टनर का इरादा क्या है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है। चलिए रिलैक्स हो जाइए, इंटेंशन सही रखिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचिए कि उनके मन में क्या है, उनका इरादा क्या है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, इंटेंशन सही रखे और अपने पर्सन के बारे में आपको सोचना है। चलिए रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। किस बात से आपके पार्टनर स्ट्रेस ले रहे हैं व्यूअर्स? आपके पार्टनर थोड़ा स्ट्रेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है ये व्यूअर्स इस वक्त। ठीक है, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनको देखिए, अगर आपके पर्सन कह रहे हैं मैं नहीं आ पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ भी आपके पार्टनर कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स यहाँ पे आपको इस रिश्ते की सच्चाई, मतलब होता है ना, इस रिश्ते की सच्चाई आपको मालूम पड़ रही है। कभी कभी आपको ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स कि ये क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं आ रहे, क्यों आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्यों ये बातें टाल रहे हैं, क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्यों आपसे बातचीत नहीं कर रहे, खुलकर क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर शायद आना चाह रहे हैं बट वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आप बहुत ज्यादा डीपली सोचने लगे हो, कभी कभी ओवर थिंकिंग भी करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो औदा आपको नहीं दे पा रहे हैं और जो आपको चाहिए वो किसी और को मिल रहा है, वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि सच में यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं और थोड़ा स्टक हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर में टॉक्सिक रिलेशनशिप है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लेकर चल रहे हैं। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई टॉक्सिक लोग हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर लेकर चल रहे, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के बच्चे भी हैं और बच्चे जो हैं उनकी जिंदगी है और आपके पार्टनर जो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्टैंड नहीं ले रहे। व्यूअर्स, आपके पार्टनर इस वक्त वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स आप स्टक हो और डिस्टर्ब हो और इस रिश्ते की सच्चाई आपको मालूम हो रही है, या फिर ये बंदा ऑन ऑफ सिचुएशन में है या फिर बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन ये आपके तरफ आना चाहते हैं। नो डाउट, ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है इनके मन में कि कैसे कदम बढ़ाऊं, कैसे इस रिश्ते की शुरुआत करूं, कैसे आपके दिल की बात को जानूं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में इनके लिए क्या फीलिंग्स है, ये जानना चाहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर अगर फैमिली है, मैरिड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मैरिज हो गई है, भैया वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। हाँ, मैं तुम्हें थैंक यू जरूर बोल सकता हूँ कि तुमने मुझे खुद को बदलने की कोशिश की और मैं खुद को बदला हूँ, तुमने प्यार दिया, सपोर्ट किया, मैं तुम्हारा भी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम मेरे दिल में हो, मेरे आत्मा में हो, शायद मैं तुमसे खुल नहीं रहा हूँ लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता हूँ। लेकिन इनको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, इस वक्त ये पर्सन को आपकी जरूरत है। देखिए डियर, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको जेलसी फील करा रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं, ठीक है, तो अपने जो करेंट पार्टनर है उनके साथ स्टेटस लगाना, डीपी लगाना, सोशल मीडिया पे डालना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स, सबके व्यूअर्स, आपके पार्टनर नहीं, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको जेलसी फील करा रहे हैं, आपको मतलब गिल्ट या रिग्रेट उनसे, या फिर आपसे गलती हुई, यह है साजिश लाने के लिए या फिर आपको जलसी फील कराने के लिए। तो कुछ
यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है, जहाँ आपको जेलसी फील करा रही है, आप पर नजर है, करेंट कोई पार्टनर है जो आपको जेलसी फील कराती है या कराता है, वो भी कहीं ना कहीं फोटो डीपी स्टेटस डालना। और यह ट्रू है डियर कि आपके पार्टनर भी ये काम कर रहे हैं, ये सब की बात नहीं है डियर, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे कौन डाल रहा है, डीपी में कौन लगा रहा है, स्टेटस में कौन लगा रहा है, ठीक है, उनके पार्टनर आपको जेलसी फील करा रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट इस वक्त ज्यादा वो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, उनकी सोसाइटी, समाज, इमेज और उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स। कुछ व्यूअर्स, यहाँ पे सबकी बात नहीं है, कुछ व्यूअर्स आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये आपको ही ट्रिगर कर रहे हैं, ये आपको ही जला रहे हैं, आपको ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये सही नहीं है। कुछ व्यूअर्स, मैं बोलना चाहूंगी इस एनर्जी में जो भी व्यूअर्स हैं, आपको लेट गो कर देना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए, आगे बढ़ोगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फ्यूचर ब्राइट होगा। और आपके लाइफ में अगर आपको लगता है कि कोई आपका पार्टनर आए, मैरिज हो, या फिर कोई आपके तरफ, आपको दोस्त की तरफ कोई हेल्प मिले, जब तक यहां से लेट गो नहीं करोगे बाबू, कुछ नहीं होना जाना है। क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं डीपी स्टेटस सोशल मीडिया पे, कुछ ऐसे डीपी स्टेटस लगाकर, या फिर कुछ थर्ड पार्टी भी ऐसा चाल चल रही है या चल रहा है, उन्हें स्पेस दे दीजिए। कुछ व्यूअर्स आपकी ये जरूरत हो रही है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो गए। क्योंकि कुछ व्यूअर्स आप डिस्टर्ब हो, समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करो, जिस पर्सन को आपने इतना कुछ दिया और आपको आज इतना कुछ दे रहा है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, कभी कभी आपको बिल्कुल अंधेरा फील होता है, क्योंकि वो बात नहीं करता, क्लियरिटी नहीं देता और आपको जेलसी फील कराता है। ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, और इस एनर्जी में है तो लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। अगर ये कार्मिक है आपका, इससे कोई कनेक्शन नहीं, तो इसको रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अगर ये आपका कार्मिक है तो कोई फायदा नहीं है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ये आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। तो इनको लेट गो कीजिए, आने वाले टाइम में आपका कोई दोस्त, आपका सोलमेट, आपका ट्विन मिल सकता है, या कोई अच्छा परफेक्ट पार्टनर, या फिर अच्छा दोस्त मिल सकता है जो आपको मेंटली भी सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस कनेक्शन के, इस कार्मिक कनेक्शन में जो आपको जला रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप इनको रिलीज कीजिए, लेट गो कीजिए, क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं है, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। आपको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ डिसीजन लेना चाहिए, फ्यूचर आपका ब्राइट है, लेकिन चिंता करोगे तो सब कुछ खो जाएगा बेटा, उसको रिलीज कीजिए। कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी है कि थर्ड पार्टी भी है, लेकिन ये आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं और आपके साथ न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं। तो कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और देखिए कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे गलती हुई है। तो कुछ व्यूअर्स आपकी रीयूनियन के चांसेस हैं और एक्शन के चांसेस दिखाई दे कि इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, क्योंकि अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, और ये देखिए ये भी ऑन ऑफ करते हैं लेकिन आपसे प्यार करते हैं, ये आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं, और इस चीज की सच्चाई पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, ये आगे भी बढ़ेंगे और ये आपको पाना भी चाहते हैं, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, और आपने जो प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, फ्यूचर में भी आपसे उम्मीदें काफी है। तो कुछ वर्ष आपके तरफ बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, और कुछ वर्ष आपके तरफ जो हो रहा है द लवर्स की एनर्जी है। तो कुछ वर्ष आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा, लेट गो करना होगा, और कुछ वर्ष आप के लाइफ में आपके पार्टनर आपके साथ न्याय कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और आपको लेकर फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने उनको चाहा है, उनको रिस्पेक्ट किया है, और बहुत ज्यादा इनको दिल से आपने उन्हें चाहा भी है, और खुद को आपने इन्हें समर्पण किया है। तो कुछ वर्ष आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, उन्हें लेट गो कर दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। थोड़ा स्पेस दीजिए और सेल्फ लव पर फोकस कीजिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। खुद को मैनिपुलेट नहीं कीजिए, जो पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं उनके, इनको लेट गो कीजिए, क्योंकि वो अभी इस वक्त अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, अपनी सोसाइटी, अपना इमेज देख रहे हैं, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, शॉपिंग करना, मार्केट जाना, ये सब चल रहा है डियर। तो उन्हें लेट गो कीजिए, रिलीज कीजिए, आप अपना भविष्य बर्बाद ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, लिब्रा, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, ये साइन स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, ये रात की वीडियो मैं डालूंगी आपके पार्टनर के व्यूवर्स, ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी डालूंगी, दोनों की करेंट सिचुएशन मैं डालूंगी माय यूनिवर्स टैरो पे, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और 9 या 9:30 में मैं वो वीडियो को डालूंगी, उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आप दोनों की एनर्जी होगी उसमें, मैं देखती हूँ यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आ रही है तो उसमें क्या एनर्जी आ रही है, मैं आज उस पे दोनों माइनस टैरो पे 9:30 में डालूंगी, ठीक है, 9:30 में डालूंगी। और उसके बाद उसमें होगा आपका एनर्जी और आपके पार्टनर का एनर्जी, मैं देखती हूँ आप दोनों की एनर्जी में क्या कुछ बदलाव आ रहा है और यूनिवर्स आपको क्या मदद देना चाहते हैं। तो इस वक्त मैं रून से लेकर आई हूँ और माइनस टैरो में रात की वीडियो लेकर आऊंगी, इसमें दोनों की एनर्जी होगी व्यूवर्स, ठीक है, उसमें गाइडेंस भी होगी और सच्चाई भी होगी। तो आप दोनों की एनर्जी लेकर आऊंगी माइनस टैरो में 9:30 के करीब, आप जरूर देखना। और इस वीडियो को जो आपसे जो मैच हो रहा है, अगर आपको एनर्जी मैच हो रही तो कमेंट में लिखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।